राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा में, वो भी दिल्ली वाले घर में। वो हो गया है, आज हम बनाएंगे चाय आप लोग के लिए। चाय तो ऐसा बहुत बार रिक्वेस्ट आया है कि राजा जी आप चाय बनाइए, लेकिन चाय तो सबके घर में बनता है और जितने लोग हैं उतने तरह का चाय बनता है, लेकिन अपना अपना पसंद है। जो हमें बढ़िया लगता है और कैसे बढ़िया लगेगा, क्योंकि हम 20 साल चाय बेचे हैं तो हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ही है। तो चलिए आपके साथ दो तरह का चाय शेयर करते हैं, जो पसंद आएगा वो बनाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम गैस चूल्हा जला लेते हैं और इससे रखेंगे चाय का बर्तन, आंच बिल्कुल धीरे कर, और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी। एक चाय बनाने का हम सबसे पहले आपको तरीका बता रहे हैं, इसमें बस एक चम्मच पानी डालेंगे और इसके बाद जितना आपको चाय बनाना है, कितने लोगों का बड़ा कप होता है छोटा कप होता है, उस हिसाब से आप इसमें दूध डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास कप है, इसी के हिसाब से हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पे जिस कप से आप चाय बनाना चाहते हैं उसी कप से दूध डालें। बस जो पानी हमने डाल रखा है एक टेबल स्पून के करीब, उतना ही पानी इसमें लगेगा। जिस कप से आप पीना चाहते हैं उसी कप से एक कप हम दूध डाल दिए हैं। अब इसमें आप चाहें तो जब दूध खोल जाए बढ़िया से तो इसमें अदरक डाल सकते हैं। अगर अदरक दिल नहीं है तो इसमें देखिए हम, तो यहाँ पे हम लिए हैं एक इलायची है, एक लौंग है, एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ये तीनों को हम कूट देंगे। ये जो हम एक लौंग एक इलायची और छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिए है ना, ये दो चाय के लिए है। तो इसमें से आधा हम डाल देंगे इस चाय में और इसको एक बार इस तरह से हिला देंगे ताकि इसमें इसका फ्लेवर जाएगा। अब होता है कि चाय बढ़िया बने कैसे, चाय पत्ती का बहुत ज्यादा रोल है। आपको जो चाय पत्ती पसंद है वो पत्ती डालिए, लेकिन हमें पसंद आता है क्योंकि मैं बहुत दिन तक चाय बनाया और स्पेशल चाय बनाया, वो चाय है ये देखिए केसर पत्ती। ये कोई इसका हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन है बढ़िया, कॉस्टली है। अब आप ताजमहल चाय पीते हैं, बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन उतना फ्लेवर समझ में नहीं आता, लेकिन ये सस्ता ही है, फ्लेवर समझ में आता है। इसमें डालेंगे एक टीस्पून के करीब चाय पत्ती और इसको भी एक बार हिला देंगे इस तरह से। इसमें देखिएगा कितना बढ़िया जिकर आता है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। चाय पत्ती डालने के बाद जब बढ़िया से जिकर दे दे इस तरह से, तो अब यहीं पे अब चीनी डाल दें। चीनी तो अपने अपने पसंद से आदमी पीता है, कोई कम पीता है कोई ज्यादा पीता है, लेकिन एक चाय के लिए एक टीस्पून, ये देखिए एक टीस्पून चीनी होना चाहिए। अब कम ज्यादा डालना आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे तुलसी का पत्ता लिए हैं, आप एक दो तीन चार जितना ही पत्ता डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे, क्रश करने से होता है ना कि इसका फ्लेवर फटाफट इसमें आ जाता है। अब इसको एक बार हम चला देंगे। अब हमारा चाय बन के तैयार हो गया है, इसको छान देते हैं और यहीं पे चाय डाल देते हैं। चाय डालने का तरीका है, जैसे कि एक बार डाल दीजिएगा तो इसमें झाग नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा तो झाग आएगा। क्योंकि कप ही टूट गया दोस्तों, दूसरे कप में फिर बनाते हैं चाय और फिर आपको दिखाएंगे। तो वो तो गिलास टूट गया, फिर हम लोग उसी क्वांटिटी में बढ़ा के दूध डाल के बना लिए हैं। और आप बोलते हैं ना कि चाय में झाग आता है, चाय में झाग एक बार डाल दीजिएगा तो नहीं आएगा। अब देखिए झाग में बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा डालना होता है और ये झाग बनेगा, देख रहे हैं ना, इस तरह से झाग बनता है। तो चाय तो तैयार हो गया, अब इसके साथ बिस्किट भी चाहिए, तो बिस्किट भी सर्व कर देते हैं। तो चाय तो बन गया है, लेकिन हम लोग आज तीन आदमी हैं, दोनों बेटा गए हैं कॉलेज, बेटी शूट कर रही है और अनीता जी अभी आ रही हैं। तो ये चाय तो हमारा हो गया कंप्लीट, अब आपको दूसरा चाय हम बनाना बता रहे हैं। तो दूसरा चाय बनाने वाले हैं मटका मसाला चाय, मतलब आपके पास मटका है तो मटका में बनाइए, नहीं तो जो बर्तन में आप बनाते हैं उसमें बनाइए। तो इसको चूल्हे पर रख देंगे हम मटकी को, और इसी में डालेंगे पानी, जितना आपको चाय बनाना है उसका आधा पानी डाले। दो चाय बनाना है तो एक कप पानी एक कप चाय, तो दो कप चाय होते, तो एक कप हम पानी डाल दिए हैं इसमें और गैस को जला दें। तो आप चाहें तो अदरक के साथ सारा मसाला भी डाल सकते हैं आपके पास है तो, नहीं तो सिर्फ अदरक डालेंगे, जो हमारे पास तुलसी का पत्ता है वो डालेंगे। अदरक बेटर है, अगर बहुत कुछ नहीं है तो अदरक को, लेकिन अदरक बहुत ज्यादा नहीं डालना है, अदरक को ग्रेट करके भी नहीं डालना है, अदरक को बढ़िया से कूटना है। कम अदरक डालिए लेकिन कूट के डालिए। तो देखिए यहाँ पे हम अदरक दे दिए हैं और इसको कूट देते हैं, छिलका रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमारा पानी खोल गया है, इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। दो चाय के लिए एक टीस्पून से ज्यादा चाय पत्ती डाल दें, पानी गर्म हो जाए तभी डाल दें चाय पत्ती को, और चाय पत्ती का दोबारा यूज नहीं करें। जैसे कि अभी चाय बना देते हैं और एक घंटे के बाद पीना हुआ तो उसी चाय पत्ती में अब चाय बना देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। फ्रेश चाय बनाना है, एक बार खोल जाए चाय, जैसे कि चार पाँच मिनट आप चाय को खोला के बना देते हैं और बना के पी लीजिए चाय, तो फिर चाय पत्ती को फेंक दीजिए, अदरक भी फेंक दीजिए। और यहीं पर हम
चीनी डाल देते हैं, दो चाय है तो दो टीस्पून के करीब चीनी, टीस्पून से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसे खौला देते हैं। ये जो चाय का हम मसाला बताए हैं ना, कोई भी बाहर का मसाला कभी भी यूज मत कीजिए। बोलते हैं चाय मसाला है, फलाना मसाला है, कुछ नहीं है। दालचीनी का छोटा टुकड़ा रखिए, ज्यादा आपको क्वांटिटी में बनाना है तो उसी हिसाब से रखिए। मतलब इलायची थोड़ा ज्यादा रखिए, दालचीनी कम रखिए। सबसे ज्यादा इलायची रखना है, उसके बाद लौंग रखना है, उसके बाद दालचीनी रखना है। सारे को पीस लीजिए, दरदरा डब्बा में रख लीजिए, बराबर यूज कीजिए। इससे बढ़िया मसाला कोई हो ही नहीं सकता। और मौसम में हम चाय बनाते हैं तो बनाते हैं, सुस्ती आ गया, आलस आ गया उसके लिए। लेकिन सर्दी में चाय और इस तरह का चाय बनाने का बहुत फायदा है। गले में खराश हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, एनर्जी बॉडी में नहीं रहता है, सुस्ती तो बिल्कुल होना ही नहीं देगा ये चाय अगर पियेंगे तो। एकदम फ्रेश कर देता है अंदर से। यहाँ से चाय पीजिए और एकदम फ्रेशनेस हो जाता है। बर्तन में तो हम कोई भी स्टील का बर्तन में जैसे घर में कोई भी स्टील का बर्तन फ्राई पैन में चाय बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी ही बन जाता है। लेकिन जब हम मटके में बनाते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि गैस धीरे रखना पड़ता है, नहीं तो मटका भी टूटने का डर होता है और दूसरा टेस्टी बहुत ज़्यादा चाय बनता है। तो अगर मटका आपके पास मिले कभी तो ज़रूर इसमें ट्राई कीजिएगा। इसको एक लकड़ से चला लेंगे या कोई चम्मच से, इसको एक बार खोल जाने देंगे, फिर दूध डालेंगे हम। दूध हमारा गर्म होना चाहिए, और नहीं तो दूध को भी गर्म कर दें। यहीं पे हम दूध डाल देंगे, जितना पानी उतना ही दूध। और अदरक तो जब ही डालें जबकि दूध और पानी दोनों बढ़िया से गर्म हो तब डालिए। अदरक जब डालें जब दूध और पानी दोनों बढ़िया से गर्म, यहीं पे सारा फ्लेवर हम डाल देते हैं। सबसे पहले ये डाल देंगे इलायची, लौंग और दालचीनी का बुरादा, दो तुलसी। और ये मतलब ये सारा चीज़ डालेंगे तो चाय तो एकदम 100% बढ़िया बनना है। लेकिन अदरक की भी चाय बढ़िया बनती है। और अदरक आप जैसे किसी वजह से, जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनको अदरक का बेनिफिट मतलब नहीं होता है, अदरक उनको पसंद, बहुत से लोग होते हैं जिनको अदरक खाना डॉक्टर ने मना कर रखा, तो इलायची, दालचीनी और लौंग का फ्लेवर डाल के पी सकते हैं। तुलसी का पत्ता तो सब कोई पी सकता, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको छान लेते हैं चाय को। तो आप लोग देखें कि हम कौन सा गिलास में चाय सर्व किए हैं, क्योंकि हम लोग चाय बहुत कम पीते हैं। खाली अंजलि पीती है थोड़ा बहुत चाय, बाकी कोई नहीं पीता है चाय, बहुत कम पीते हैं। और यहाँ पे कप कुप रखने का कोई मतलब ही नहीं है, रखते हैं गांव में। तो यहाँ से एक हमारा ब्लॉग देखेंगे आप लोग, हम लोगों ने महाराष्ट्र से कप खरीदा था, लेकिन कप वो बांध बूंद के रखे हैं बिहार ले जाने के लिए, तो यहाँ कप की जरूरत नहीं है। चाय आप पीते हैं तो इस तरह से बना के पीजिए, और हमारे हिसाब से तो चाय पीना ही ठीक नहीं। चाय पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हमें 4 महीना हो गया चाय पिए, लेकिन बहुत दिनों से वीडियो में कमेंट आ रहा था कि दादाजी एक बार चाय तो बनाइए अगले साल से ही, लेकिन टाइम ही नहीं मिला या ध्यान नहीं आया, क्योंकि चाय कम पीते हैं। तो देखिए आज हम चाय बनाए हैं आप लोगों के लिए, अगर इस तरह से पसंद आया तो जरूर बनाइएगा, और नहीं पीना हो चाय तो मत ही पीजिए। इसके बदले में गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पी लीजिए, वो ठीक है। नींबू डाल के पानी पी लीजिए, वो ठीक है, लेकिन चाय बहुत हानिकारक। तो यहाँ देखिए हम लोग पहला भी चाय बना लिए हैं, दूसरा भी चाय बना लिए हैं, लेकिन नीचे जो अनिता जी हैं अभी वो आई नहीं है, तो हम लोग भी पियेंगे, क्या करेंगे, आज तो चाय पीना ही पड़ेगा, तो आज हम लोग चाय पियेंगे। तो अगर इस तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कौन कौन सी हमें रेसिपी बनाना है वो भी बताते रहिएगा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। चाय मैं पीती नहीं हूँ दोस्तों, काफी दिन हो गया, 3-4 मंथ हो गया चाय पीना छोड़ दी हूँ। इतना तेज जुकाम हुआ है कि पी लेते हैं। अभी देखिए इधर बना ही रहे हैं, जल्दी आ जाइए, अभी सबको हम लोग मिल के खाएंगे ब्रेड। और आप लोग भी अपना ध्यान रखें सर्दियों में भाई।